बच्चों, आज मैं आपको चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी दूंगी। भारत में गन्ने की खेती काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। गन्ने के रस से खांड व गुड़ बनाने की कला भारत से विदेशों में फैली है, किंतु चीनी का उत्पादन एक आधुनिक उद्योग है जिसका आरंभ 20वीं शताब्दी में हुआ था। देश में चीनी का प्रथम कारखाना दक्षिणी भारत में कोयंबटूर में स्थापित किया गया था, किंतु वर्तमान समय में चीनी उद्योग उत्तरी भारत में सबसे अधिक विकसित है। इसके कई कारण हैं। उत्तरी भारत में खांड उद्योग पहले से ही प्रचलित था। श्रमिकों एवं मांग की सुविधाओं उपलब्ध थी। 1930-31 तक देश में 29 चीनी के कारखाने स्थापित हो गए। घरेलू उत्पादन कम होने के कारण विदेशों से चीनी का आयात किया जाता था। 1932 में विदेशी चीनी पर आयात कर लगा देने के कारण स्वदेशी चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिला। दो दशकों तक चीनी उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणाम तथा उतार चढ़ाव के पश्चात 1950 से 51 में स्थिरता आई तथा कारखानों की संख्या 139 हो गई। जनवरी 1995 में चीनी के कारखानों की संख्या कुल 435 हो गई। 1998-99 में चीनी का उत्पादन 155 लाख टन हुआ। उद्योग का स्थानीयकरण। चीनी उद्योग में गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। गन्ना एक भारी तथा सस्ता पदार्थ है जिसके परिवहन पर व्यय बहुत होता है। वास्तव में चीनी उत्पादन व्यय का 60% गन्ने का मूल्य होता है। स्पष्ट है कि चीनी उद्योग की स्थापना उन्हीं भागों में होती है जहाँ गन्ना आसानी से प्राप्त हो जाता है, यानी जहाँ गन्ने की पैदावार अधिक है। कारखाने चलाने के लिए मुख्यतः गन्ने की खोई का उपयोग शक्ति के रूप में किया जाता है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। गन्ना पेराई का कार्य अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई तक होता है, अतः इसमें स्थायी श्रमिक कम ही होते हैं। चीनी उद्योग को गुड़ व खंडसारी उद्योग से भी प्रतिस्पर्धा सहन करनी पड़ती है। यद्यपि गन्ने का प्रति हेक्टर उपज दक्षिण भारत में बहुत अधिक है। तमिलनाडु में 102 टन, पांडिचेरी में 97 टन, महाराष्ट्र में 85 टन, कर्नाटक में 81 टन, गुजरात में 80 टन तथा उड़ीसा में 70 टन, आंध्र प्रदेश में 65 टन। तथापि मात्रा के विचार से सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है। पंजाब व हरियाणा, बिहार राज्यों में एक विस्तृत पेटी में होता है, इसीलिए अधिकांश कारखाने उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में 120, बिहार में 29, पंजाब में 11, हरियाणा में 8 स्थापित हैं। इन राज्यों में चीनी उद्योग के केंद्रीयकरण के अनेक कारण हैं, जैसे गंगा की उर्वर जलोढ़ मिट्टी में गन्ने की खेती के लिए उपयोग उत्तम है। यही कारण है कि गन्ना यहाँ बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा
प्राप्त होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश, बिहार इसके उदाहरण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में नलकूपों व नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। इस उद्योग में कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता नहीं है। स्थायी श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से आसानी से मिल जाते हैं। सघन आबादी होने के कारण चीनी की मांग व खपत इन क्षेत्रों में है। गन्ना काटने के पश्चात उसे अधिक देर तक नहीं रखा जा सकता, उसकी रस सूखने लगती है। अतएव गन्ने के क्षेत्रों को निकट कारखाने स्थापित होने चाहिए। गन्ना एक भारी व सस्ता पदार्थ होने के कारण उसे अधिक दूर भेजने में परिवहन पर अनावश्यक व्यय होता है। चीनी मिलों में शक्ति के साधनों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। गन्ने की खोई ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इन सब दशाओं के कारण भारत में अधिक उपलब्ध है, इसलिए गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस से रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होने के कारण उत्तरी भारत में ही चीनी उद्योग अधिक विकसित है। तो इन सब कारणों के कारण चीनी उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ 120 चीनी के कारखाने हैं। गन्ना उत्पादन, यहाँ परिवहन की सुविधा, सघन जनसंख्या के कारण चीनी की खपत, श्रमिकों की सुविधा के कारण चीनी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित है। जैसे गंगा यमुना दोआब तथा तराई क्षेत्र, दोआब के अंतर्गत सहारनपुर, लक्सर, सहारनपुर, देवगढ़, नानोता, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, मेरठ, दोराला, बागपत, रमाला, महूद्दीनपुर, गाजियाबाद, मोदी नगर, सिंभावली प्रमुख केंद्र है। तराई क्षेत्र में गोरखपुर, धुंधली, आनंद नगर, पिपराइच, सिसवा, बाजार, सरदार नगर, बस्ती, वाल्टरगंज, खलीलाबाद, बढ़नी, देवरिया, जहाँ पर चीनी उद्योग फैला हुआ है बड़े पैमाने पर। बिहार, यहाँ चीनी की 29 कारखाने स्थापित है। चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पटना, गया, शाहबाद जिलों में चीनी मिलें बड़े पैमाने पर स्थापित है। आंध्र प्रदेश, यहाँ 32 कारखाने स्थापित हैं। अधिकांश कारखाने पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामाबाद जिलों में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र, यहाँ 104 कारखाने स्थापित हैं, जिनमें 87 सहकारी क्षेत्र हैं। यहाँ उत्तम जलवायु के कारण चीनी रिकवरी देश में सबसे अधिक है। अहमदनगर में सबसे अधिक कारखाने स्थित हैं। कोल्हापुर, शोलापुर, सतारा, नासिक में भी चीनी मिलें स्थापित हैं। कर्नाटक, यहाँ चीनी के 28 कारखाने स्थापित हैं। बेलगांव में सबसे अधिक कारखाने हैं। गुजरात, यहाँ चीनी की 16 कारखाने स्थापित हैं, इसमें अधिक मिलें सूरत जिले में स्थित है। जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड, भावनगर में
कारखाने स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, उड़ीसा में चीनी उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। अब बच्चों, जब हम इसका उत्पादन देखते हैं तो हमें पता पड़ता है चीनी का प्रमुख उपभोक्ता पदार्थ है। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ चीनी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। विगत वर्षों से चीनी उत्पादन में प्रगति काफ़ी हुई है। वास्तव में चीनी उत्पादन गुड़ व खंडसारी उद्योग की स्पर्धा के कारण घटता बढ़ता रहता है। प्रतिवर्ष केंद्रीय तथा राज्य सरकारें गन्ने व चीनी संबंधी मूल्य की नीति सुनिश्चित करती हैं। गुड़ खंडसारी उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण न होने के कारण सरकारी मूल्य की नीति का बहुत प्रभाव पड़ता है तथा चीनी मिलों को प्राप्त होने वाला गुड़ व गुड़ खंडसारी क्षेत्र में वितरित हो जाता है। बच्चों, आज मैंने आपको चीनी उद्योग के बारे में स्थानीयकरण के कारक व उसके क्षेत्र बताए। अब कल के लेक्चर में मैं आपको चीनी उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है तथा इसका व्यापार की दृष्टि से क्या स्थिति है, इसकी जानकारी कल मैं आपको दूंगी। धन्यवाद।